सूजी का डोसा बनाने के लिए मैंने एक कप सूजी ली है। एक हम मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में अपनी सूजी को डाल देंगे। एक स्पून लिया है हमने ये बेसन, ये बेसन भी इसी में डाल देंगे। और ये हमारा आटा है गेहूं का जिससे हम चपाती बनाते हैं, एक स्पून ये भी डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसे पीसेंगे। 2 मिनट हमने मिक्सी में पीस लिया है और ये इस तरह का हो गया है। आपको इस तरह का करना है, ना ये ज़्यादा मोटा है ना ये बारीक है। अब हम एक बाउल लेंगे, ये एक कप हमारी दही है, हम दही को अपनी डालेंगे। एक स्पून है चीनी, एक स्पून है हमारा नमक और मिक्स से इसे घोलेंगे अच्छे से। और हमारा ये मिक्सचर जो हमने पीस करके रखा था, ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल लेंगे। इस तरह से घुमाते रहेंगे और डालते रहेंगे। एक कप हमारा पानी है और हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छा सा एक घोल बनाएंगे। सूजी को हमने अच्छे से घोल लिया है, अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतने हमारी सूजी फूल रही है, हम आलू मसाला बनाते हैं। आलू मसाले के लिए हमने एक फ्राई पैन चढ़ा लिया है और इसमें हम एक स्पून डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। आधी स्पून ये हमारा जीरा है, जीरा डालेंगे हम, जीरे को चटकने देंगे। दो एक हमारी लहसुन की कलियाँ हमने ये बारीक बारीक काट ली हैं, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। दो हमारी हरी मिर्चें हैं, ये भी इसी में डाल देंगे। और ये थोड़ा सा हमारा अदरक हमने बारीक बारीक काट लिया था, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इन मसालों को हम भूनेंगे कुछ देर के लिए। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। एक हमने बड़ी प्याज मोटी मोटी काट ली थी, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसे भी भून लेंगे। एक चौथाई हमने थोड़ी सी हल्दी ली है, ये हल्दी भी इसी में ऐड कर देंगे। और ये आधी स्पून हमारी लाल मिर्चें हैं, आधा स्पून हमारा नमक है, सबको अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। दो हमारे आलू हैं, हमने इन्हें उबाल करके छील लिया है और इन्हें मोटे मोटे मेस कर लिया है, ये भी हम इसी में डाल देंगे और इन्हें चलाएंगे। अपने मसालों में आलू को अच्छे से मिलाएंगे। आधा स्पून हमारा ये चाट मसाला है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और ये कुछ हमारा हरा धनिया, ये हमने काट करके रखी थी, ये भी हम इसी में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। सभी आलूओं को हमने अपने मसालों में अच्छे से मिला दिया है। अब ये आलू मसाला हमारा रेडी है, अब हम इसे रखते हैं एक साइड, इसे कवर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को रखे हुए, अब हम देखते हैं। हमारी सूजी अब अच्छे से फूल गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये गाढ़ी हो रही है, और इसे चलाएंगे अच्छे से। सूजी को हमने अच्छे से मिला दिया है और ये हमारा बेकिंग सोडा है, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे और थोड़ी पानी डालेंगे और इस तरह से इसे अच्छे से चलाएंगे। सूजी का बैटर हमारा अब बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इस तरह का हमें सूजी का बैटर चाहिए था। गैस पर हमने एक नॉन स्टिक तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और ये तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर पानी डाल करके थोड़ा टेम्परेचर इसका हल्का करेंगे। गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। एक टिश्यू पेपर लेंगे और इस तरह से अपने तवे को साफ़ कर देंगे। अब हम अपना बैटर डालेंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इस तरह से हम घुमाएंगे इसे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर फूल करके तैयार हुआ है। इधर से भी हमारा गोल्डन सा रंग होने लगा है और हम चारों तरफ से इसी तरह से अपने तवे को घुमा करके इसे सेक लेंगे और ब्रश की मदद से इस तरह से हम अपने डोसे पे चारों तरफ से सभी में तेल लगा देंगे और कुछ देर के लिए इसे सिकने देंगे। डोसा हमारा सिक चुका है और कितना अच्छा हमारा गोल्डन कलर आया है। आपको एक ही तरफ से सेकना है। अब इसमें हम अपना आलू मसाला डालेंगे इस तरह से और इसे फोल्ड करेंगे। ये लीजिए कितना अच्छा रंग हमारे डोसे का आया है और क्रिस्पी करारा हमारा डोसा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल जैसा। आप भी एक बार ज़रूर इसे बना करके देखिए। फिर से इसी तरह से पानी डालेंगे और इसे साफ़ कर देंगे और इसमें अपना बैटर भर के डालेंगे इस तरह से। आप जब एक दो बार बनाएंगे तो आप भी आसानी से इसी तरह से बनाना सीख जाएंगे। बड़े आराम आराम से इस तरह से आपको घुमाना है।
जब तवे पर आप अपना बेटा डालें तो आप इसका फ्लेम लो रखें और उसके बाद इसे हाई कर दें। मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। एक ही तरफ से हमें सेकना है, हमें पलटना नहीं है और इसी तरह से हम घुमा करके सेकेंगे। ये डोसा भी हमारा सीख चुका है और कितना अच्छा गोल्डन कलर हमारे डोसे का आया है, वो क्रिस्पी करारा हमारा डोसा बनके तैयार हुआ है। इसे भी हम तैयार करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये लीजिए, डोसा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। बाकी के डोसे भी हम सभी इसी तरह से सेक लेंगे। ये लीजिए, हमारे डोसे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हैं। आप इन्हें चटनी के साथ सर्व कीजिए, सांभर के साथ सर्व कीजिए। आपको हम इसकी अपने डोसे की आवाज़ सुनाते हैं, ये कितने क्रिस्पी करारे बन के तैयार हुए हैं, ये देखिए। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।